अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जमान पार्क से गिरफ़्तार किया गया। उनकी ये गिरफ्तारी की सबब तोशाखाना केस था। इस केस में अदालत की जानिब से इमरान खान को 3 साल के लिए जेल, 5 साल के लिए नाअहली और 1 लाख रुपया जुर्माना भरना होगा। नाज़रीन, देखने में ऐसा लगता है कि इमरान खान को इस गिरफ्तारी का पहले से इल्म था। इस बात का अंदाज़ा आगे दिए गए इमरान खान के इस बयान से लगाया जा सकता है। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा। तो मेरी आपसे ये बयान इमरान खान का सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, वहां पे रिलीज किया गया। घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जदोजहद कर रहा हूँ, ये अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। इस वीडियो पैगाम में इमरान खान ने कहा कि आपने घरों में नहीं रहना और आपने एहतजाज के लिए घरों से बाहर निकलना है। आप उन्होंने ये भी कहा कि ये जंग मेरे अकेले की नहीं, ये जंग आपकी और आपके बच्चों के मुस्तकबिल की है। गुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियां। उन्होंने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का भी जिक्र किया। आवाज नहीं होती और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान। नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की गुलामी से हमें आज़ाद करता है। इमरान खान ने कहा कि ये मुल्क एक नजरिए पर बना है। मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आज़ाद किया था अदल और इंसाफ दे के। ये है जंग इंसाफ की, आपके हकूक की, आपकी आज़ादी की। इमरान खान का कहना था कि ये पाकिस्तान का नजरिया हमें यह सिखाता है कि हमने अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना, हमने किसी के भी गुलाम नहीं तोड़नी पड़ती है। पुरमन इत्तेजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता। इमरान खान ने इंसानी हकूक का बताते हुए कहा कि हर इंसान का यह हक है कि वो पुरमन इत्तेजाज करे, ना तो किसी और कोई कब्जा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए जो आज कब्जा करके बैठा हुआ है। शुक्रिया नाज़रीन। इस गिरफ्तारी पर राणा सनाउल्ला का भी बयान सामने आ गया है। उस पर मैं इसके सिवा कुछ नहीं कहूँगा कि मुकाफात अमल। राणा सनाउल्ला ने इमरान खान की गिरफ्तारी को मुकाफात अमल का नाम दिया है। राणा सनाउल्ला के मुताबिक जब वो वजीर आजम थे तो उन्होंने लीगी कारकुनान और पीपल पार्टी के कारकुनान और रहनुमाओं को जेल में डाला था, जिसकी सजा आज वो भुगत रहे हैं। अमल का जो है वो शिकार हुआ है, वो अपने बुग़्ज़ का। और इस गिरफ्तारी की दूसरी बड़ी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान एक अनापरस्त बंदा है और दूसरों से बुग़्ज़ रखता है। उसकी गिरफ्तारी किसी इंतजामी हुक्म की बुनियाद पर नहीं हुई। नाज़रीन, गिरफ्तारी के बाद इमरान खान को पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां उनका मेडिकल चेकअप होगा, जिसके बाद उनको जेल मुंतकिल किया जाएगा। सेशन अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया था। नाज़रीन, इस केस से इमरान खान पर यह साबित होता है कि उन्होंने 140 मिलियन रुपए की मालियत की घड़ी को गैर कानूनी तौर पर बाहर मुल्क में बेचा था। इमरान खान के वकील इंतजार पोंचा ने कहा कि हमने इस फैसले के खिलाफ अदालत में एक पिटीशन फाइल की है। इंतजार पोंचा को लगता है कि इमरान खान बेकसूर हैं और ये उन पर एक इल्ज़ाम लगाया गया है, जबकि अदालत का फैसला इसके बरक्स है। इमरान खान का जुर्माना न अदा करने पर इमरान खान को 6 माह और जेल में रुकना होगा, जहां मेडिकल टीम उनका मुआयना करेगी। चेयरमैन पीटीआई आज रात अटक जेल में ही गुजारेंगे। इमरान खान को आज रात अटक जेल में रुकना पड़ेगा और कल उनको अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ साबिक वजीर आजम को 2 डिग्री जेल दी जाएगी। अपनी दीवार है उसके साथ भी नफरी को लगाया जाए। एक मिनट के लिए रुका था, पूछा था कि इनके क्या हुआ है, इन्होंने मुझे रोक लिया है। नाजरीन, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस वाला शक की बिना पर एक आम नौजवान पर कैसे जुल्म ढा रहा है। नाजरीन, इस केस के बारे में आप क्या राय देते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ डॉट पी के को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।